गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम कारगिल पहुँचे हैं कल रात में, कल शाम को, मतलब 7:30-8 के करीब हमने चेक इन किया था। और दिस इज़ आवर व्यू, होटल व्यू, ब्यूटीफुल प्लेस है ये भी एक। अभी फील हो रहा है कि हम लद्दाख की वादियों में, लद्दाख की पहाड़ियों में आए हैं। बहुत सुंदर है, टेम्परेचर वैसे बहुत ज़्यादा है नहीं, 7-8 है और धूप भी अच्छी खासी आई है तो फील नहीं हो रहा है, बट ब्यूटीफुल प्लेस। एंड हम थोड़ी देर में ही निकलेंगे अभी लेह के लिए, स्टार्ट करेंगे और फिर मिलते हैं रास्ते में, जर्नी में हमारे। और हम चल पड़े हैं अब, कारगिल में रुके थे कल रात, और वो देखिए वो हमारा होटल है उधर सामने ही, वो जो दिख रहा है जिसपे हरी टंकी और काली टंकी लगी है वो हमारा होटल है। चल पड़े हम, अब हमारी अगली डेस्टिनेशन जो है वो है सीधा ले, लेकिन रास्ते में बहुत सारे अट्रैक्शन है ले जाने से पहले जो हम देखते हुए जाएंगे। पहले सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे मुलबेग पे और उसके बाद हम आगे जाएंगे। ये देखिए ले सिटी ब्यूटीफुल व्यू, सॉरी कारगिल सिटी ब्यूटीफुल व्यू, और मुलबेग यहाँ से 39 किलोमीटर है, विच शुड टेक अस अबाउट एन आवर और सो इन दिस रोड। रोड्स आर गुड एज इट हैज बीन टोल्ड टू अस बाय द लोकल्स, एंड डे इज ब्यूटीफुल, सनी डे, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं है। टाटा सफारी 12 डिग्री बता रही है, घड़ी आईफोन की 7 डिग्री बता रही है, बट आई थिंक 7-8 डिग्री 10 डिग्री के आसपास होगा टेम्परेचर इस वक्त। राइट, सनी डे है, सन फुल है। और कारगिल में एक जगह है यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर, अतुल, हंडरमन विलेज, जहाँ हम नहीं जा पाए टाइम की कमी की वजह से, बट जाना चाहिए। वो विलेज इंडिया का लास्ट विलेज और वहाँ से पाकिस्तान का विलेज दिखता है, और उसकी स्टोरी अतुल ने जैसा कल पता किया और बताया मुझे कि 1971 के वार से पहले तक वो पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, वो और एक दूसरा विलेज। अतुल क्या नाम था उस विलेज का? सुकोडू। और फिर इंडियन आर्मी ने जब जंग करी और जीती तो सुकोडू पाकिस्तान के पास रह गया, लेकिन हंडरमन विलेज अपने पास आ गया। आप गूगल मैप में अगर नक्शा डालेंगे कारगिल से ले जाते हुए, तो ये नक्शे में आपको ना पाकिस्तान की बॉर्डर के बहुत करीब दिखेंगे, क्योंकि हम मेरे ख्याल से इन पहाड़ियों के जस्ट पीछे ही शायद बहुत नज़दीक में पाकिस्तान का बॉर्डर शुरू होता है। इधर देखिए ये पहाड़ियाँ जो है दिख रही हैं आपको मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, अभी दिखेंगी और ज़्यादा क्लीन। अभी दिखेंगे आपको ये पहाड़ी ही है जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, इन पहाड़ियों के जस्ट पीछे ही शायद पाकिस्तान का की सरहद है थोड़ा आगे जा करके। तो हम वहाँ नहीं जा पाए हंडरमन विलेज, हमें जाने का मन था बहुत, लेकिन टाइम कम था, हमने सोचा क्योंकि लेह में भी रास्ते में बहुत सारे अट्रैक्शन आते हैं। यहाँ से वैसे लेह की ड्राइव तो 5-5.5 घंटे की है, लेकिन अगर आप रुकते रुकते जाएंगे तो आपको टाइम चाहिए, 10-11 घंटे हो जाएंगे अगर आप अच्छे से रुकते रुकते जाएंगे। और फैमिली के साथ है तो हमने सोचा हम आराम से रुकते रुकते और इन्जॉय करते हुए फोटो खींचते हुए वीडियो बनाते हुए जाएंगे। सामने देखे कितनी ब्यूटीफुल पहाड़ियाँ आ गई हैं, ऊपर बादल आ रहे हैं, पहाड़ों पर बर्फ भी है। ले की सिटी ब्यूटीफुल, ले सिटी ब्यूटीफुल, कारगिल सिटी, कारगिल की सिटी। और ये हम चल पड़े हैं,
दोस्तों हम मुलबैग पहुंच गए हैं। रास्ते में रॉक स्टेच्यू ऑफ बुद्धा यहाँ पे है, ये देखिए सामने हमारे कैमरे में अगर दिख रहे हो, ये देखिए ब्यूटीफुल रास्ता है। हमें लगभग एक घंटा लगा यहाँ पहुँचने में, है ना, एक से थोड़ा कम पहुँच गए हैं यहाँ पे और जा रहे हैं अब बुद्धा स्टेच्यू देखने के लिए। से हाय। सुलेखा जी आ रही है धीरे धीरे, ये देखिए मुसीबत आने लगे। हम चल पड़े हैं मुलबैग बुद्धा स्टेचू के लिए। दिस इज मुलबैग बुद्धा स्टेचू। तो हम लोग यहाँ रुके हैं मुलबैग में, चंबा बुद्धा स्टेचू जो रॉक स्टेचू है बुद्धा का, उसके पास रुके हैं और यहाँ एक बिल्कुल ठीक सामने उसके एक रेस्टोरेंट है, तो वहाँ रुके हैं और वहाँ हमने पराठा खाया और ऑमलेट खाया, चाय पी, मैगी खाई। और ये हमारे साथ है, आपका नाम? मेरा नाम बसंत है, बसंत है, यहाँ पे काम करता हूँ। उत्तरांचल से? हाँ, उत्तरांचल। उत्तरांचल कितने साल से आप यहाँ पे? हो गया सर मेरे को 5-6 साल हो गया। 5-6 साल यही पे? हाँ यही पे। तो आप यही रहते हैं? आप फिलहाल रहता तो नहीं, सीजन पे यहाँ पे रहता हूँ, उसके बाद मैं वापस। तो यहाँ पे बर्फबारी होती है क्या? हाँ काफी होती है ऑक्सीजन में। अच्छा। हाँ ये रोड पे होता है, कम से कम 2 फीट 2 फीट बर्फ के आसपास रहता है रोड पे, तो पूरा बंद हो जाता है। हाँ पूरा बंद हो जाता है। बंद हो जाता है श्रीनगर, ये जोजला वाला पूरा बंद हो जाता है। बंद हो जाता है, खुला रहता है। अच्छा। तो यहाँ पे रुके, अच्छा खाना बनाया भैया ने और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। ये हम इसलिए डाल रहे हैं इन्फॉर्मेशन कि कोई भी ट्रेवलर यहाँ आए तो उसे बता रहे हैं कहाँ खाना खाना है। ये ऑमलेट भी देते हैं, मैगी भी देते हैं, पराठे बड़े अच्छे बनाए इन्होंने, चाय ठीक पिलाई है। चलिए मिलेंगे सर, थैंक यू। दो पहाड़ हैं जिनको हमें पास करना है ले जाने के लिए,
ये हम यहाँ पहुँचे हैं नामी काला पे, जो लगभग 12,139 फीट यानी कि 3700 मीटर की हाइट पे है। यहाँ पे लद्दाख जाते हुए दो पासेस पड़ते हैं, एक नामी काला और एक फोटुला। नामी काला 12,000 सब फीट्स एंड फोटुला 13,000 सब फीट। इट टुक अस 20 मिनट्स फ्रॉम मुलबेग टू रीच हियर एंड वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द वे फ्रॉम करगिल टू लेह वी हैव रीच्ड। नाम किला ऊपर चढ़ते बहुत ही स्टीप पासेस हैं जिसको हमें चढ़ना पड़ता है, 12,000 फीट पे है लगभग, और उसके बाद एकदम उसके तुरंत बाद स्टीप डिसेंट शुरू हो जाता है, और उसके नीचे उतर आए तो सांजक विलेज आता है, इसको हमने क्रॉस कर लिया है और हम NH1 पे बढ़े जा रहे हैं। अगली डेस्टिनेशन लामा यूरू, फोटुला लामा यूरू ये डेस्टिनेशन है। थोड़ा सा एक्सेंट शुरू होगा अभी फिर से फोटुला के लिए। सड़क अच्छी एकदम, बहुत बढ़िया, देखिए नजारा सड़क का। स्टेशन है इतनी ऊंचाई पे, तो यहाँ से रिले करता है प्रसार भारती के कार्यक्रम को। ये देखिए, और ये देखिए एकदम यहाँ से न्यूलैंड काइंड ऑफ व्यू। एक उधर आया शिरचू, देखो हम पहुंच गए हैं। शर्मा जी की फैमिली पहुंच गई है फोटुला टॉप 13,479 फीट। कल हमने किया खाडुंगला 11,000 समथिंग फीट, उसके बाद हमने कल हमने किया जोजिला 11,129 फीट, मैं बहुत खुशी में ज्यादा बोल रहा हूँ। उसके बाद हमने किया आज नामिकला, नामिकला जो था 12,128 फीट, और अब हम पहुंचे हैं फोटुला पे 13,479 फीट पे। तो लगा हुआ है जोर शर्मा जी की फैमिली का। और एक चीज और देखिए, ये प्रसार भारती का सबसे ऊंचा स्टेशन है जहां से दूरदर्शन अपने प्रोग्राम रिले करता है, न्यूज और बाकी के प्रोग्राम। ये प्रसार भारती का बहुत ऊंचा स्टेशन।
अच्छा, तो देखिए हम उधर ऊपर से आए नीचे, और नीचे आए तो हमें, हम यहाँ आ गए लामा यूरू मॉनेस्ट्री में। हम लामा यूरू मॉनेस्ट्री जाएंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा है। नीचे तो देखिए कितने ग्रीन फील्ड्स हैं, पता नहीं वहाँ पे क्या होता होगा, बहुत ही ग्रीन फील्ड है। एंड ऊपर पहाड़ पे बर्फबारी भी हो रही है शायद, ऊपर पहाड़ों पे, तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, बहुत ही अच्छा है। इधर देखिए ये टीम थकी हुई है थोड़ा सा चल के, क्योंकि एल्टीट्यूड इतना है कि थोड़ा सा चलने में भी थकान हो रही है। सब लोग फिट है, तुलिका का एंकल हल्का सा ट्विस्ट हुआ था, बट शी इज फीलिंग बेटर नाउ। छोटे बच्चे हैं, कल ट्विस्ट हो गया था जोजीरा पे जो हम रुके थे वहाँ पे, और हम आगे चल रहे हैं। मॉन्स्टर देखा है और अब आगे जा रहे हैं। मूनलाइट पड़ता है उसको, मूनलाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इस तरह के पहाड़ियाँ बनी हुई हैं रेत की, क्यों मून के काटर जैसा आवाज़ देती हैं।